स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग ओप्पो रेनो 8 5G का जो है अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप लोग करते नहीं हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें ताकि जो है जो सब्सक्रिप्शन है और इस तरह का जो वीडियो है आपको आगे भी मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले आपको मिल जाता है इस तरह का बॉक्स। तो बॉक्स में आपको जो है चार चीज़ मिल जाता है, जो कि है आपका TPU केस जो कि आपको मोबाइल को अच्छा प्रोटेक्शन दे सकता है, दूसरा है आपका एक सिम इजेक्शन टूल, उसके बाद सेफ्टी गाइड और क्विक गाइड जो है आपको मिल जाता है। तो चलिए इसको भी रखते हैं साइड में और बढ़ते हैं अपने मोबाइल की तरफ। तो मोबाइल में आप देखेंगे कि इसे भी हम साइड में रखते हैं और फिर आप देखें तो एक 18 वॉट का जो है सुपर वूप फास्ट चार्जर मिलता है जो कि आपको 15 से 20 मिनट में आपके मोबाइल को फुल चार्ज कर सकता है। उसके बाद एक टाइप सी का डेटा केबल मिल जाता है जो कि आप अपने मोबाइल को इससे चार्ज कर पाएंगे। तो चलिए मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं। तो मोबाइल में आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको की स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ मिल जाता है, जिसमें डॉल सोनी फ्लेक्सिव सेंसर, अल्ट्रा नाइट वीडियो, 18 वॉट वूप चार्जर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 का जो है प्रोसेसर मिल जाता है, जिसमें आपको 2.2 का सेकेंडरी जो है क्लॉक स्पीड और प्राइमरी क्लॉक स्पीड आपको 3 GHz का मिल जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब मोबाइल की तरफ। तो मोबाइल की तरफ आप देखें तो ऊपर की तरफ आपको एक बड़ा सा जो है 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो वॉल्यूम रॉकर बटन आपको मिल जाएगा और ठीक उसके ऊपर साइड में आप जाएंगे तो आपको सेकेंडरी माइक जो है मिल जाएगा और राइट साइड में आपको जो है एक पावर बटन मिल जाएगा जिसमें ग्रीन कलर का टेक्सचर दिया गया है। रेनो अपने सारे सीरीज में जो है इस तरह से जो है टेक्सचर जो कलर है वो दे ही देते हैं। और अगर आप नीचे की तरफ देखें तो आपको जो है स्पीकर ग्रिल और जो टाइप सी का जैक है वो मिल जाता है चार्जिंग के लिए और प्राइमरी माइक और यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाता है, जिसे अगर हम खोल के आपको दिखाएं जो सिम ट्रे है वो आपको हाइब्रिड नहीं मिलता है बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सिम आप इसमें लगा पाएंगे। तो 2 सिम आप इसमें लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड इसमें नहीं लगता है और जो ये वेरियंट है वो 128 GB का वेरियंट है। और पीछे की तरफ अगर आप आ जाते हैं तो आप देखेंगे बड़ा सा एक जो है 50 MP का कैमरा जो है यहाँ पे प्लेस किया गया है और ठीक उसके नीचे आपको 8 MP का वाइड एंगल कैमरा और जो लास्ट सेंसर है वो 2 MP का जो है डेप्थ सेंस कैमरा है और यहाँ पे फ्लैश लाइट जो है डाला गया है। पीछे से अगर आप कैमरा बम्प को देखेंगे तो थोड़ा सा ऊँचा आपको लग जाएगा, थोड़ा सा क्या ये ऊँचा है ही, और लेफ़्ट साइड से ये जो कैमरा है इस तरह का दिखता है और जो अपर साइड से है वो आपको बम्प कुछ इस प्रकार से दिखेगा। नीचे आप रख के देखें तो ये थोड़ा सा जो है जो फ्लैट नहीं होने की वजह से, कैमरा होने की वजह से इस तरह से जो है ये हिलता भी है। और सामने की तरफ आपको जो है 32 MP का कैमरा मिल जाता है जो कि सेल्फी में काफ़ी अच्छा काम भी कर जाता है। ऊपर देखेंगे आप जो ईयर पीस है आपको बात करने के लिए यहाँ पे जो है दिया गया है ऊपर की तरफ। और काफ़ी मोबाइल जो है लाइट वेट है, उतना वेट इसमें है नहीं, जबकि इसमें जो है 4500 mAh का बैटरी भी लगा हुआ है और फिर भी मोबाइल जो है काफ़ी जो है लाइट वेट है। उसका एक कारण ये भी है कि ये पूरा का पूरा फ़ोन जो है प्लास्टिक बिल्ड है, कहीं भी आपका मेटल का यूज़ इसमें नहीं किया गया है। ये फ़ोन को कर लेते हैं बूट और बूट करने के बाद आपको बताते हैं कि और क्या सब इसमें फीचर्स आपको मिल जाता है। डिवाइस नेम ओप्पो रेनो 8 5G दिखा रहा है। स्टोरेज आपको जो है 128 GB में 23.2 GB जो है यूज़ पहले से कर रखा है और कलर वाइज 12.1 है सॉरी। और जो रैम है इसका 8 GB तक आपको जो है ये दे रहा है और बाकी आप 5 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं इसे। तो कुल मिला के जो है आपको 13 GB है वो रैम आपका हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनलाइजेशन का, तो उसे ओपन करने के बाद आपको जो है थीम स्टोर वगैरह और जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है वो सारे आपको मिल जाएगा। इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम एक इमोजी को यूज़ कर लेते हैं, तो इमोजी यूज करने के लिए आपको फ़ोटो डालना होगा तो इमोजी छोड़ देते हैं। ये जो स्टाइल है ये इसमें आप किसी भी तरह का पैटर्न खुद से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका जो है अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं ये किस तरह का दिखता है। तो ये देखिए इस तरह का पैटर्न मैंने अभी ड्रॉ किया था जो कि अभी यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो इस तरह से आप जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत ही जो बैटरी है वो कंज्यूम करता है क्योंकि इसमें जो है आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्विक सेटिंग में आपको जो आइकन है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी राउंड शेप में है, यहाँ पर आप विंडो शेप में कर सकते हैं, रोम्बस, स्क्वायर, ये सारे चीज़ आप रख सकते हैं इसमें।
और उसके बाद आप देख सकते हैं आइकन का जो सेटिंग है वो भी आपको मिल जाता है। आप आइकन भी जो है छोटे बड़े जो भी साइज़ में आप रखना चाहते हैं उस तरह से आइकन को भी आप चेंज कर पाएंगे। और भी सारा ऑप्शन है इसमें। और यहाँ वॉलपेपर में देखें तो आपको प्रीसेट वॉलपेपर्स जो है वो इतने सारे मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं 19 यहाँ पे है, 14 यहाँ पे, ये लाइव वॉलपेपर है। आप लाइव वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से लाइव वॉलपेपर जो है इसमें वर्क करता है। और लाइव वॉलपेपर जो है इसमें काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि डिस्प्ले का क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छा है। एमोलेड डिस्प्ले में जो है आपको लाइव वॉलपेपर काफ़ी अच्छा दिखता है। बाकी के जो TFT स्क्रीन होते हैं उसमें लाइव वॉलपेपर जो है उतना अच्छा नहीं लगता जितना एमोलेड में लग जाता है। तो चलिए अब कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं और कैमरा सैंपल देखने के बाद जो है बताते हैं कि किस तरह का कैमरा इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो इस वीडियो में यहीं तक और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और आगे के सारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें मेरे चैनल के साथ।